मित्रों नमस्कार। आप सब इस मौके पर मेरे साथ फेसबुक पर लाइव जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा देश और सारी दुनिया कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रही है। इस संकट से निपटने के लिए आप सब लॉकडाउन के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और आपके इस पालना के कारण लॉकडाउन पूरी तरह देश भर में सफल हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता, जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, कानून व्यवस्था का पालन, स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर चलते रहना इसमें योगदान दे रहे हैं, मैं उनका भी इस मौके पर हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, संकट की इस घड़ी में नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त, दूरदृष्टा, देश और समाज आम जन के प्रति समर्पित नेतृत्व हम सबके पास होना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। मोदी जी ने इस संकट से निपटने के लिए जहां एक ओर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमावट की, वहीं दूसरी ओर आम जनता से जुड़ने का एक सफलतम प्रयत्न किया। आप सबको ध्यान में है, जब उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया तो आप सब ने जनता कर्फ्यू का पालन करने में जो इतिहास बनाया, उसे वर्षों वर्ष तक लोग ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, जनता कर्फ्यू के दौरान जो लोग आवश्यक सेवाओं में संलग्न रहे, जिन्होंने आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया, शाम को 5 बजे आप सब ने अपने अपने घर पर ध्वनि करके, थालियां बजाकर, तालियां बजाकर जो एकता का परिचय दिया है, वह निश्चित रूप से अपने आप में अभूतपूर्व है। आप सबके इस योगदान के कारण भारत के इस विधा का दुनिया के सारे लोग अनुसरण भी कर रहे हैं और इसकी प्रशंसा भी निश्चित रूप से कर रहे हैं। लॉकडाउन कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक है। लॉकडाउन है तो थोड़ी परेशानी भी होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन की इस घड़ी में भी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी हमारे नागरिकों को नहीं आनी चाहिए। इसलिए चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों, चाहे पशुओं के चारे की व्यवस्था हो, चाहे वो दूध की उपलब्धता हो, चाहे सब्जी और फलों की उपलब्धता हो और कोई भूखा न रहे, इस दिशा में भी जो काम आज किया जा रहा है और जिन लोगों का योगदान इसमें है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए इलाज एक व्यवस्था है, लेकिन इसका सामुदायिक विस्तार ना हो, यह हम सब की जिम्मेवारी है। और इसलिए सामाजिक दूरी बनाए रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए और लोगों को प्रेरित करना, ये हम सब का कर्तव्य है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस कर्तव्य निर्वहन में पूरे भारतवर्ष के लोग लगे हुए हैं। इस दौरान बाहर से भी अनेक बंधु आए हैं, हम सब अनुभव कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आए और उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न किया, वह छिपाने का प्रयत्न उनको भी भारी पड़ा और हमारी सारी व्यवस्था को भी काफ़ी मुश्किलात करना पड़ रहा है।
मैं ऐसे तमाम सारे बंधुओं को अनुरोध करना चाहता हूं कि जो विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं, बाहर से आने वाले के संपर्क में आए हैं, उनको यह स्थिति छिपाना नहीं चाहिए। अपने क्षेत्र में अधीनस्थ अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनके संज्ञान में लाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए और आइसोलेशन बाहर जहां भी जो लोग फंसे हुए हैं उन सब की रहने की, खाने की, दवाइयों की, सब प्रकार की व्यवस्था का इंतजाम वहां के प्रशासन के साथ मिलकर किया हुआ है। मेरे पास भी जिन लोगों की सूचना है, मेरा कार्यालय उन सब लोगों से भी बात करता है, उन सब लोगों जहां रुके हुए हैं उस क्षेत्र के अधिकारियों से भी बात करता है। मैं पार्टी के पदाधिकारी और सांसद मित्रों को भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो फंसे हुए लोग हैं उन सब की सेवा शुश्रूषा व्यवस्था करने में वो न तो कोई कसर छोड़ रहे हैं और ना ही आगे वे छोड़ें, ऐसा निश्चित रूप से मेरा अनुरोध इस मौके पर आप सब लोगों से है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान और गरीब प्रधान देश है। प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तब भी उनके सामने कृषि का विषय हमेशा प्राथमिकता में रहा है और इसलिए आज फसल कटाई का समय है, आने वाले कल में बुवाई भी शुरू होने वाली है। फसल कटाई को गृह मंत्रालय ने अलाउ किया है, हार्वेस्टर इत्यादि उपकरण इन सब की आवाजाही पर कोई रोक, केंद्र सरकार ने राज्यों को आग्रह किया है कि वो आगामी 3 महीने तक मंडियों की जो व्यवस्था है उससे खाद्यान्न कृषि उत्पाद को मुक्त कर दें, जिससे कि कोई भी किसान अपना माल अगर वेयर हाउस में रखा है तो वो वेयर हाउस से ही सीधा बेच सकता है, ई नाम प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है और जो भी खरीदार उसको जिस स्थान पर भी मिले उसकी मंडी जाने की जरूरत इस अवधि में समाप्त हो, जिससे किसान का उत्पाद निश्चित रूप से बेचने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पेस्टिसाइड हो, खाद हो, बीज हो, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित बनी रहे, यह भी कोशिश पूरे देश भर में की जा रही है और इसको भी आवश्यक वस्तुओं में शामिल करके अनुमति दुकान खोलने की दी गई है। हम सब जानते हैं कटाई का समय होता है, बुवाई का समय होता है तो कृषि उपकरणों की जरूरत होती है। अब कृषि उपकरण अगर खराब हैं उनको मरम्मत की जरूरत है, ऐसी बात किसानों की तरफ से आई थी तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने तमाम सारे ऐसे वर्कशॉप जो इसके उपयोग में आते हैं, तमाम सारे यो सम्मान निधि की घोषणा की थी और आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय कहा था कि हम अप्रैल के पहले सप्ताह में पीएम किसान की ये किस्त लोगों तक पहुंचा देंगे और 9826 करोड़ रुपया इस सप्ताह में किसानों के खाते में पहुंच चुका है और शेष पैसा रोज हम भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसानों के पास ये पैसा भी रहेगा तो निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी में उनके काम आएगा। हम सब इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि हमारा देश गरीब देश है। गांव में रहने वाला वो गरीब आदमी जिसका रोजगार चलता था, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था, उसका जीवन भी इस दौरान संकट में न पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पीडीएस के माध्यम से 3 महीने का खाद्यान्न हर गरीब आदमी को गांव में उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया है। 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल इस अवसर पर उनको निःशुल्क प्रदान की जाए यह सुनिश्चित करने का काम किया है। हमारे स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी बहनें देश भर में मास्क और सैनिटाइजर बनाने का काम इस समय देश में तेजी के साथ कर रही हैं, जो इस संकट की घड़ी में निबटने के लिए एक असर के रूप में काम आ रहा है। ऐसी हमारी तमाम सारी बहनें जो स्व सहायता समूह में काम करती हैं वो अभी तक 10 लाख तक का ऋण लेने की पात्रता उनको होती थी, प्रधानमंत्री जी ने इस पात्रता को बिना गारंटी के वो 20 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप सबको ध्यान होगा उस समय शुरू हुई थी, उस समय 32 करोड़ नए अकाउंट खुले थे, उसमें 20 करोड़ अकाउंट बहनों के खुले थे। ऐसे
हमारी 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपया जावे। यह भी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय घोषणा की थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज दिनांक तक 12 करोड़ हमारी बहनों के खाते में ये 500 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग भी हो रहा है, क्रियान्वयन भी हो रहा है, सब लोग का नहीं है। और सेवा में तो वैसे भी प्रतिस्पर्धा होती ही नहीं है, सेवा तो भाव से होती है। इसलिए कई बार यह देखने में आता है कि सेवा की प्रतिस्पर्धा भी समस्या का कारक बन जाती है। हम सब लोगों की यह जवाबदारी है कि हम समस्या नहीं बने, हम समाधान बने, और इस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सबको ध्यान है, प्रधानमंत्री जी ने 5 अप्रैल की रात्रि में दीपक जलाने की बात, वह एक तौर से भारत की आत्मा की सामूहिक अभिव्यक्ति है। इस सामूहिक अभिव्यक्ति को आज जब हम करेंगे तो सिर्फ कोरोना को ही संदेश नहीं जाएगा, सारी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत किसी भी बड़े से बड़े संकट से जूझने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए मैं आप सब से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे